अस्सलाम वालेकुम, क्लासिक टेस्ट में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्जियां, जो बहुत मज़े की सब्जी बनती है और सर्दियों की ये ख़ास डिश है, बहुत अच्छी लगती है। तो अब हम रेसिपी शुरू करते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो 10 प्याज हमने काट लिए, वो डालते हैं। आधी प्याली हमने घी डाला है। प्याज फ्राई करते हैं। दो खाने के चम्मच हमने सब्ज़ प्याज लिया है, लेकिन वो थोड़ा सा भी फ्राई हो जाएगा तो फिर ये बाद में हम डालेंगे। अब ये सब्ज़ प्याज डालते हैं हम। लाइट सा सब्ज़ प्याज भी फ्राई हो चुका है। दो खाने के चम्मच लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च कट्टी चॉप कर ली थी, वो डालते हैं। लहसुन अदरक का कच्चापन तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून हल्दी, 1 खाने का चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक या आप हसबे जायका डाल सकते हैं, 1 टीस्पून खुश्क धनिया क्रश किया हुआ, ये सारे मसाले हम डालते हैं। टमाटर 2 अदद, थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे। पानी डालकर हल्का हल्का भूने तो मसाला बहुत अच्छा भुना जाता है, और अगर मसाला अच्छा भुना जाए तो सालन का मज़ा और हो जाता है, बहुत अच्छा मज़ा बनता है सालन का। मसाले की बनाई बहुत अच्छी हो चुकी है। अब हम सब्जियां डालते हैं। 1/2 किलो गाजर है, अच्छी तरह हमने काट कर धो ली थी, ये डालते हैं। 1 प्याली मटर, तकरीबन ये 1 पाव थे। 1 पाव आलू है, 1 पाव मेथी है, ये भी बारीक बारीक काट ली, अच्छी तरह साफ करके हमने धो ली थी फिर काटी थी। अब हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन बंद करेंगे ताकि थोड़ी सी सब्जियां नरम हो। हमने 5 मिनट के लिए ढक्कन बंद किया था। माशाल्लाह ये देखे सब्जी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। सब्जी अपना ही पानी छोड़ देती है, अब हल्की आंच पे ये इसी पानी में पक जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको गलने देंगे बस। माशाल्लाह बिल्कुल सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। आलू भी गल गए हैं, ये देखिए आलू भी हमने चेक किया है तोड़कर, तो वो भी गल चुका है। अब हम चूल्हा बंद करते हैं और डिश आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 सब्ज़ धनिया, 1/2 किलो उसकी तो खुशबू बहुत अच्छी आती है, बहुत मजे की सब्जी बनी है। आप भी जरूर ट्राई करना और मुझे फीडबैक देना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।